लड़की है जो अपने ही दुनिया में उलझ कर रह गई है, और एक लड़का है जो उस लड़की को किसी भी तरह उस दुनिया से निकालना चाहता है। कुछ ऐसी ही कहानी दिखाने आ रहे हैं प्रिंस की पलटन से रांची की एक्सप्रेशन क्वीन शालिनी और मुंबई की शान फैजल खान। फैजल शालिनी, ऑल द बेस्ट एंड पॉप द स्टेज। थैंक यू सर। मनिए साहेब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नड़ा नवाबी जी देखे है सब जी, फिर भी न समझे मनिए साहेब जी हम करता बहाने, नड़ा नवाबी जी न समझे हेलो 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 शालिनी, यू ऑल राइट? एकदम ठीक हो? ओके, थैंक यू। हाँ दादा, मुंह से हवा भी निकल रही है। वापस आई लव यू बोल के दिखाओ ग्रैंड मास्टर को। आई लव यू। पूछ लेते हैं हमारे मास्टर से भी कि आखिर उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और शुरू करेंगे हम मास्टर गीता से। I would say a big round of applause for Prince for trying something new. Thank you so much. Well done. जहाँ तक इनका परफॉर्मेंस है, एक तो शालिनी आप सच्ची में आज एक परी लग रहे हो, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो आज, and I think you've performed also very well. Thank you very much. आप दादा की परी लग रहे हो आज, okay? Thank you, ma'am. आपने आज बहुत अच्छा स्वीट परफॉर्मेंस दिया। मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है उस बॉल के अंदर उसको मैनेज करना, एक तो वो आपके साइज़ के हिसाब से बहुत ही बड़ा है तो वो हैवी भी हो जाता है इन मैनी प्लेसेस। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा जब फैजल आए थे उसको पुश करने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे, तो समथिंग हैपेंड ओवर स्लाइड था, सिर्फ स्लाइड करके पुश करना, बट तो वो अटक गया शायद। I knew it by footwork. I also knew कि वहाँ पे अटक, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नहीं पता चलता है। और आप, मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि ये बच्चे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि
इतनी समझदारी कि ये इन चीज़ों को ओवरकम करके यू नो दे मूव अहेड. आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. ये आपको बहुत काम आएगा आगे जाके. यू विल बिकम इवन बेटर परफॉर्मर्स. सो गॉड ब्लेस यू ऑन दैट. थैंक यू. प्लेजेंट परफॉर्मेंस, वेरी वेरी स्वीट. और आप दोनों की जोड़ी बहुत बहुत अच्छी है. बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे एंड आई थिंक दे एग्जीक्यूटेड इट रियली वेल. सो वेल डन. मास्टर मर्जी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? प्रिंस, जब से आपने बाल काटे हैं आपके परफॉर्मेंस पे भी चार चांद लग चुके. सो आई थिंक कि बाल काटते रहो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके. यस सर, पक्का. फैजल और शाहिन का मुझे सबसे अच्छा लगा जब वो रोल उसने एक रोल किया शालिनी ने उसके ऊपर से, बॉडी के ऊपर से. और दूसरा जब उसने शालिनी को उठाया, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ बैलेंस एज वेल एज कंट्रोल. सो आई थिंक शालिनी और फैजल आपने बहुत जस्टिफाई किया वो प्रॉप को. यस प्रिंस, आपने बहुत अच्छा आइडिया उनको दिया. कोरियोग्राफी भी बहुत स्मार्टली रखी है ताकि उनसे हो सके सब कुछ. एंड आई थिंक टुगेदर थ्री ऑफ यू, फैब जॉब, लवली आइडिया. ऐसे ही चीजें करते रहो, इनको बहुत आगे तक जाने मिलेगा उसकी वजह से. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मच. थैंक यू सो मच मास्टर्स. ग्रैंड मास्टर, मैं दोनों के बारे में बोलूंगा आज. रियली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. क्या बैलेंस किया, बड़े बड़े डर जाएंगे उसके अंदर. और आपने मैडम, क्या बात. फैजल के साथ तो बस नजर ना लगे आप दोनों को. बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया. क्या बात, क्या बात. थैंक यू. फैजल, एक मुझे बात बताओ. हर बार आपके बारे में आप बहुत तारीफ सुनते हो. आपको क्या लगता है कि आपके दिल में क्या होता है ये सब सुनने के बाद? बहुत सारा अच्छा लगता है. उसके बाद क्या होता है? और मन करता है कि और अच्छा डांस करके और तारीफ सुनो. और दिमाग में क्या चलता है? जैसे है वैसे रहो. दैट्स इट. ये सुनना चाहता था ये जो बातें सुन के बोलो ना, जैसा था वैसा ही हूँ, वैसा ही रहना, दिमाग खराब नहीं करना. और परफॉर्मेंस देने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे. जो करोगे वो फाइनल है. याद रखना, दुनिया में कोई जादूगर नहीं है सिवाय आपके. आप ही जादूगर हो और स्टेज पर आप ही को मैजिक करना है. कि ऊपर वाले ने सबसे बड़ा मैजिक तो कर दिया आपको पैदा करके, है ना? शालिनी, पहले बताओ, तुम्हारी मम्मी को बहुत हंसते हुए देखता हूं, हर वक्त हंसती रहती है. डैडी से कितनी दफा बात करती है मम्मी? दिन में दस बार. मम्मी डैडी को बहुत मिस करती है. जवाब मिल गया. ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी की शादी कैसे हुई थी, पता है? हाँ पता है ना. कैसे हुई थी? एक दिन पापा का फोटो आया था पेपर में. हाँ. उसके बाद मम्मी उनको कॉल की और फिर उनकी मम्मी पापा और उनकी शादी करवा दी. तो ऐसे हो गया शादी. क्या बात है यार. लड़की ढूंढ रहा हूँ जिन्हें पसंद आए फोन करे, उन्होंने कर दिया. आए, आए। हमने किया दादा, घर वालों ने किया है. हम तो जानते भी नहीं उसको, क्योंकि वो रांची का है, हम नवद्वीप का है. तो ओ, पेपर में ऐड आया था. हम तो कॉलेज में था, तो मेरा मामी ऐड देख के उसका पापा के वहाँ चिट्ठी भेजे. फिर आपने कब देखा? छोड़ो ना शॉर्टकट में. हम नहीं देखा सर. कि मतलब फर्स्ट डे मतलब हमको देखना है, हम तभी भी उसको नहीं देखा. बाद में जब शादी फिक्स हो गया तो सोचने लगा जे मेरा हस्बैंड देखने में है कैसा. तो मेरा फ्रेंड्स लोग पूछा तो वो बोला देखा नहीं. मुझे नहीं देखा नहीं. तो वो जो सीरियल में सिनेमा में एक तो है ना जिसका दांत थोड़ा फांक है. तो उसी का टाइप का उसका फेस था. तो हम दूर से देखा तो मेरा फ्रेंड्स लोग जब पूछा, हम बोला वो जो गुंडा है ना उसी का. <laughs>
क्या दादा गुंडे आजकल दिमाग रियल लाइफ में मेरा हस्बैंड एकदम बात भी नहीं करती उतना ज्यादा, हम जितना बात करते उतना कम बात करते। हाँ लेकिन एक बात समझ में नहीं है दादा कि वो 10 बार फोन में क्या बातें होती रहेगी। हाँ ये क्या करती है, खुद ही बात करेंगे हेलो कितनी बार आई लव यू बोलेंगी अभी तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इधर उधर तो और कुछ नहीं है, हो गया हो गया। कैसे दर्द के साथ कह रही है ये जो हो गया आप जान दो। जय भैया समझ में आ गया था, अभी जान दो कुछ नहीं कर सकते, रायता फैल गया। उसका भी हालत ऐसे ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आप ही की तरह है। Thank you, Shalini. Thank you, Faisal. It was a beautiful performance. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Grandmaster. Thank you so much, Grandmaster. और अब बारी है जनता का फैसला जानने की। तो शुरू करेंगे फैसल से। फैसल, जनता के फैसले के मुताबिक आप इस हफ्ते सुरक्षित हैं। और शालिनी, आपका रिजल्ट हम बाद में बताएंगे, पर आओ जोदा ताले हो जाए शालिनी और फैजल के लिए। थैंक यू।